ओके व्हाट इज एडवर्ब इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है जो कि हमें वर्ब के बारे में और भी ज्यादा बताता है, किसी एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा बताता है। जैसे कि ही रैन फास्टली, वह भागा, या फिर ही इज रनिंग फास्टली, ही इज रनिंग स्लोली। देन फास्टली एंड स्लोली व्हाट इज एडवर्ब, ये है आपका। हियर आई एम राइटिंग वन एग्जांपल, ही इज रनिंग, दिस इज आवर वर्ब। जब हम इसके बारे में और भी ज्यादा बताएंगे कि वो रनिंग कर रहा, वह रनिंग कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके की रनिंग कर रहा है, फास्ट, स्लो, गंदी, अच्छी, हमें आप लिखे स्लोली, देन दिस वर्ड इज एडवर्ब। क्योंकि हम वर्ब के बारे में उसने और भी ज्यादा बताया कि इज रनिंग, वह भाग रहा है, जब हमने एडवर्ब को एड किया इट्स मीन्स वह स्लोली भाग रहा है, तो उसके तरीके के बारे में बताया कि वह कैसे भाग रहा है, स्लोली भाग रहा है। ओके नाउ लेट्स कम ऑन टाइप काइंड्स ऑफ एडवर्ब। दीज आर काइंड ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दीज आर काइंड ऑफ एडवर्ब। इन एडवर्ब ऑफ मैनर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ, कोई भी वर्ब जो हुआ है वो कैसे हुआ है, राइट। एट टाइम वेयर, जो वर्ब है या जो क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है, राइट। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन, ये टाइम के बारे में बताता है, जो क्रिया हुई है वो कहां हुई है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, ये हमें बताता है जो क्रिया हुई है वो किस टाइप की हुई है या कितनी बार वो होती है, यूजली वो कितनी बार होती है, कैसे होती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री पर बताता है हाउ मच, कितना। ओके नाउ फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इज, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर इन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है जो एक्शन है या फिर जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है वो किस मैनर में हो रही है, राइट। हियर आई एम राइटिंग, जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया था ही इज रनिंग फास्ट, अब आपको बताती हूं ही सिंग्स, ही सिंग्स। अब इसमें सिर्फ हमें ये पता चल रहा है वह गाता है, लेकिन जब हम एडवर्ब को ऐड करेंगे तो इसमें हम ये बता पाएंगे वह गाता है, कैसा गाता है। ही सिंग्स स्वीटली, ही सिंग्स स्वीटली, वह बहुत मधुर गाता है। जब हमने एडवर्ब को ऐड किया तो हमें उसका मैनर पता चला, जो वह क्रिया हो रही है उसमें क्या है, उसके मैनर में, मतलब कैसे, हाउ, यहाँ पे लिखा है आपका हाउ, जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, तो इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारा, सिंग्स, दिस इज वर्ब, राइट, एंड दिस इज एडवर्ब। व्हेन वी ऐड एडवर्ब, तो हमें जब एडवर्ब को ऐड करते हैं तो हमें वर्ब के बारे में और ज्यादा पता चलता है कि वो कैसे गाता है, स्वीटली गाता है, मधुर गाता है। Dina danced gracefully. Dina danced gracefully. See this example. Rina danced gracefully. Rina ने डांस किया, ये हमारी वर्ब आ गया, ठीक है, रीना ने डांस किया। यहां पे सिर्फ हमें ये पता चल रहा है रीना डांस, रीना ने डांस किया। जब हम एडवर्ब को एड करेंगे रीना डांस ग्रेसफुली, तो उसकी डांस करने का तरीका हमें पता चलेगा कैसे उसने किया। तो जब ग्रेसफुली को ऐड किया, इसका मतलब हमें इस एडवर्ब ने वर्ब के बारे में और भी ज्यादा बताया।
ओके एडवर्ब इन एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताना है, वर्ब एडवर्ब में ये बताता है जो क्रिया हुई है, जो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, राइट। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमें बताते हैं जो एक्शन होगा वो कहां होगा, राइट। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, कि जो एक्शन हुआ है वो कहां हुआ है या फिर किस जगह पे हुआ है। सी दिस एग्जांपल, आई लुक्ड फॉर माय पैट देयर, आई लुक्ड फॉर माय पैट देयर, आई लुक्ड फॉर माय पैट देयर वेयर मीन्स जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, मैंने मेरे डॉग के लिए वहां देखा देयर, तो ये कहां पे उसने देखा, किसी प्लेस पे देखा, प्लेस का नेम मेंशन नहीं है, वहां देखा किसी प्लेस पे देखा, ठीक है। तो ये हमारा देयर क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, हेयर, राइट। तो ये हमारे क्या होंगे, एवरीवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये हमारे होंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें भी देखिए, डाउन स्टेयर्स एक प्लेस होता है, जब हम सीढ़ियों भी नीचे जाते हैं, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे तो प्लेस होता है, अप स्टेयर सीढ़ियों के ऊपर, दैट इज प्लेस। एवरीवेयर, हेयर, यहां यहां मैं किसी प्लेस पे खड़ी हुई हूं, आप भी किसी प्लेस पे हैं, तो दैट इज हेयर, दीज आर प्लेस। एवरीवेयर हर जगह, हर जगह कहा, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं, ओके। द पार्टी इज हेल्ड डाउन स्टेयर्स, द एडवर्ब डाउन स्टेयर्स आंसर द क्वेश्चन हेल्ड वेयर, मीन्स जो पार्टी हो रही है वो कहां पे हो रही है, ओके। द पार्टी इज हेल्ड, द पार्टी इज हेल्ड डाउन स्टेयर्स, हेल्ड इज वर्ब, राइट। अब हमें जब यहां पे यहां तक हम इसको रीड करेंगे, द पार्टी इज हेल्ड, तो हमें पता चलेगा पार्टी हो रही है। व्हेन वी ऐड, ये हमें प्लेस बता रहा है डाउन स्टेयर्स, जो पार्टी हो रही है वो कहां हो रही है, सीढ़ियों के नीचे पार्टी हो रही है, सीढ़ियों के नीचे, ऐसा नहीं मतलब सीढ़ियों के जस्ट नीचे हो रही है, मतलब जो पार्टी है वो नीचे वाले फ्लोर पे हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताता है जो एक्शन होता है वो कब होता है, या फिर व्हाट टाइम और व्हेन, किस टाइम या कब हुआ है। सी दिस एग्जांपल, दे विल रीच दिल्ली टुमारो, दे विल रीच दिल्ली टुमारो, वे दिल्ली कल पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, वे दिल्ली तो पहुंचेंगे लेकिन कब पहुंचेंगे, टुमारो। इसमें ये वर्ड आपका ये शो कर रहा है वे दिल्ली पहुंचेंगे, किस टाइम पहुंचेंगे, टुमारो, कब पहुंचेंगे, टुमारो, व्हेन और व्हाट टाइम, राइट। तो वे दिल्ली कब पहुंचेंगे, टुमारो, तो जो टुमारो है वह ये बता रहा है कि वह दिल्ली पहुंचेंगे, कल दिल्ली पहुंचेंगे। I will go today. The plane will land soon. Soon means jaldi. The plane will land soon. जो plane है जल्दी ही उड़ेगा, जल्दी ही land करेगा।
जल्दी ही लैंड करेगा या फिर जल्दी ही, ठीक है। नाउ देन टुडे, ये सारे किसमें आते हैं आपके, नाउ देन टुडे यस्टरडे, ओके, एनी नेम ऑफ डे मंडे ट्यूजडे, एनी नेम ऑफ मंथ्स, दीज ऑल आर कम इन एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या बताता है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन डन, कि जो एक्शन है वो कितना होता है, या तो डेली होता है, किस मात्रा में होता है, मतलब हाउ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आंकड़े हैं, किस आंकड़ों में होता है, किन आंकड़ों में होता है। जैसे कोई भी रेगुलर, कोई भी वर्क हमारा रेगुलर चलता है, डेली चलता है, वीकली चलता है, नेवर कभी नहीं होता, तो ये किसमें आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी दिस एग्जाम्पल, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, द एडवर्ब रेगुलरली आंसर द क्वेश्चन हाउ गो हाउ ऑफन। वो जो वर्क करते हैं वो किस फ्रीक्वेंसी में करते हैं, ठीक है, हमें ये इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है जो वर्क होता है या फिर जो एक्शन होता है वो किस फ्रीक्वेंसी में होता है, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों की जूम क्लास लेती हूँ वीकली, वीकली मतलब वीक में एक बार, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं आपका वीक में एक बार ही क्लास लेती हूँ, ठीक है, और जो आपका वर्क जाता है रेगुलरली जाता है, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में जो एक्शन हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है वो हमें बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई डू योगा डेली, मीन्स आई डू योगा डेली, जो मैं योगा है वो डेली करती हूँ, तो मेरा जो रूटीन है फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डेली करने का है। और इसमें जो आते हैं वर्ड्स आपके वंस ट्वाइस ऑफन, जो मैंने बताया आपको वीकली ईयरली, तो ये आपके सारे क्या आ गए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि आपको बताता है हाउ मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री इज हाउ मच। जो भी एक्शन है या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज डन, कि जो वर्ब जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है वह है कितना हो रहा है, द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, तो इसमें हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, हाउ मच में क्या होता है हम ये चीज बताते हैं, जिन चीजों का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, बस गैस कर सकते हैं कि यह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे आप लोगों से कभी भी वर्क के बारे में पूछती हूँ कि आप लोगों का वर्क कंप्लीट हुआ और नॉट, तो आप लोग कहते मैम ऑलमोस्ट डन, ये लगभग पूरा हो चुका है, तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, द सोल्जर्स फॉट मोस्ट ब्रेवली, द सोल्जर्स fought most bravely, the soldiers fought most bravely, ठीक है। अब उनकी ब्रेवरी को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, वी कैन गेस ऑनली मच पेन, ये एडवर्ब में जब आपने एडजेक्टिव मैंने आपको डिस्कस उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है,
तो इसमें हम ब्रेवरी को मेजरमेंट नहीं कर सकते, बस उसका गैस कर सकते हैं कि जो सोल्जर्स ने लड़ाई की वो बहुत ब्रेवरी से की। ये आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री आर वेरी वेरी ऑलमोस्ट फुली नियरली कंप्लीटली एंड क्वाइट। दीज आर एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ सी दिस सेंटेंस द बेबी क्राइड बिटरली। The baby cried bitterly. इसमें हमारा वर्ब क्या है? Cried, right? And bitterly adverb. जब हमने bitterly को इसमें add किया तो हमें पता चला कि baby रो रहा है। जब हमने इसको bitterly को add किया means baby बहुत जोर से रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है, राइट? तो एडवर्ब क्या होता है? जो कि आपको ये बताता है, जो एक्शन वर्ब के बारे में और भी ज्यादा बताता है। सेवन सेंटेंस इज गो एंड प्ले आउटसाइड। गो एंड प्ले आउटसाइड, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस and this is verb। ये place हुआ, go and play outside, जाओ और बाहर जाकर खेलो। तो बाहर क्या है? किसी place पे ही तो हम खेलेंगे। So outside is place। The exhibition is held annually। Okay, the exhibition is held annually। जो प्रदर्शनी है वो annually, yearly, जो एक बार होती है, जैसे मानो annual function होता है, right? That annually is adverb of frequency। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चला। जो वर्क हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, जो प्रदर्शनी हो रही है, जो एग्जीबिशन हो रहा है, वो ईयर में एक टाइम पे होता है। ओके क्लास, सो दीज आर योर एडवर्ब्स। यस, दीज आर योर एडवर्ब्स। वी विल नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन।